नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के साथ सिख धर्म के गुरुदेव महाराज जी का क्रम और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि जीके से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और अगर आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, जो कि मेरे वीडियोज अगर सिख धर्म वाले हैं तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो सिख भाई बहन है वो ज़्यादा देख रहे होंगे वीडियो को। लेकिन दोस्तों ये मैं बता दूं आपको कि ये परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर कोई दिक्कत है हो जाए मुझसे तो आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े बड़े जो महापुरुष हैं उनका नाम लेना थोड़ा सा हमेशा दिक्कत हो जाता है, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रहता है, तो इस बात का मैं ख्याल रखूंगा। देखिए जो सिख गुरुओं का कालखंड, देखिए कालखंड जो है और उपलब्धियां क्या रही उनके बारे में कुछ खास यहाँ जानकारी क्रम के अनुसार होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 गुरु हैं, 10 गुरुदेव जी हैं हमारे सिख धर्म में, और जब से शुरुआती है तो शुरू से जो 1 से लेकर 10 तक का ये क्रम आप यहाँ देख रहे होंगे, उसी तरह यहाँ कालखंड भी है उसी अनुसार क्रम में। और उपलब्धियों में बहुत ही संक्षिप्त उपलब्धियां हैं, क्योंकि ये संक्षिप्त उपलब्धियां भी जो है हमारे परीक्षा में, चाहे किसी भी राज्य का हो चाहे इंडिया किसी भी जगह का हो, परीक्षा तो जीके से रिलेटेड होता है। और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्वेश्चन यही से और इसी तरह से इसी में से आएंगे, है ना। तो चलिए सब कुछ बारी बारी से और याद करने का भी प्रयास करेंगे हम लोग, ताकि इसी वीडियो में याद भी हो जाए कि आखिर ये कैसे याद होगा कि भाई किस गुरुदेव महाराज के समय में क्या हुआ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। कालखंड आप भूल भी जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने गुरुदेव महाराज हैं उन सबके उनकी उपलब्धियां क्या रहीं, उन्होंने क्या किया समाज में, समाज को बढ़ाने के लिए और धर्म को आगे प्रचार प्रसार करने के लिए क्या किया, उनके बारे में यहाँ पर संक्षिप्त अति संक्षिप्त विवरण है। दोस्तों देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो गुरुदेव महाराज हैं, तो सबसे पहला नाम गुरु नानक देव जी महाराज का आता है। इनका कालखंड जो है 1469 से 1538 का है, ये बाबर के आसपास का समय रहा है। और देखिए ये कालखंड जो है लंबा है 1469 से 1538। अब इसमें ये मेंशन नहीं है कि भाई उनका क्या रहा, है ना। तो मैं ये बता दूं कि मुझे लगता है कि ये समय वो रहा जब इन्होंने अपना जो है कार्य किया धर्म के प्रचार प्रसार का, जन्म का नहीं है। इनके गुरु जो हमारे ये जो गुरु बने उनका ये कालखंड है। तो ये जो देखिए 1469 से 1538 जो है गुरुदेव गुरु नानक देव जी महाराज का ये समय है, और सिख धर्म के ये प्रवर्तक हुए। सिख धर्म के क्या हुए, प्रवर्तक। प्रवर्तक का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि भगवान हो जाते हैं दोस्तों, जो जिस धर्म को जो चलाता है, क्योंकि हमेशा ऊपर वाली की इच्छा से ही किसी न किसी धर्म का जो है यहाँ बना है। जैसे कि मोहम्मद पैगम्बर है, उन्होंने भी कहा कि ऊपर वाला जो है हमारा ईश्वर है या अल्लाह है या जो भी है, तो उनको लिया। जो ईसा मसीह जो है वो भी कहते हैं कि ऊपर वाला ही कोई है, कोई ऐसी शक्ति है जिस शक्ति की चर्चा वो करते हैं और वही शक्ति है, तो प्रवर्तक उनको। जैसे कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध हैं, या जैन धर्म में महावीर है ना, वर्तमान महावीर जो है, तो वो भी प्रवर्तक ही, यानी एक धर्म उन्होंने चलाया जिसमें उन्होंने अपने अपना जो है ज्ञान, जो कि जाहिर सी बात है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति है उनसे प्राप्त हुआ, तो वैसे लोग को प्रवर्तक कहा जाता है। तो सिख धर्म के प्रवर्तक हुए गुरुदेव नानक देव महाराज। ये काल क्रम है 1469 से 1538। अब देखिए एक्चुअली वंश परंपरागत चला है ये वंश, एक मतलब परिवार के ही लोग हमेशा गुरु बनते रहे हैं, मोस्ट ऑफ द देखते हैं तो देखने पर चलता है। और
जैसे ऐसा नहीं कि कहीं और से उठ के आया और गुरुदेव बन गया, ऐसा नहीं, परिवार के अनुसार ही चल रहा है। कहीं कहीं कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन उस डिफरेंस में बहुत ही कम है। ज़्यादातर जैसा मैंने बताया कि भाई पुत्र को ही मिलते रहा गद्दी। तो चलिए देखिए, दूसरा है गुरुदेव अंगद जी महाराज। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे कि ये 1538 में उनका गुरु नानक देव जी महाराज का कालखंड समाप्त हो रहा है, तो 1538 से 1552 तक का इनका कालखंड है। अब गुरु मतलब अगर पंजाब राज्य की बात की जाए या पंजाबी भाषा की बात की जाए, तो पंजाबी जो लिखा जाता है, मैंने तो यहाँ लिखा नहीं, हिंदी में लिख दिया, लेकिन पंजाबी जिस भाषा में लिखा जाता है उस लिपि को, जैसे हिंदी जो हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तो ये जो है पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और गुरुमुखी लिपि ही पंजाबी भाषा का जो लिपि है। तो जनक कौन हुए? गुरु अंगद देव जी महाराज। अब देखिए छोटा नाम है, देखिए यहाँ समझिए नानक देव जी तो आपको याद ही रहेंगे, पहले गुरु है गुरु नानक देव जी महाराज, और लास्ट वाले भी आपको पता होगा तो हमारी धरती से है, या कहें हम उनकी धरती से है, एक ही बात है। तो देखिए गुरु नानक देव जी महाराज जो है याद है, बीच में जो 2 से लेकर 9 तक का है क्रम, उसमें एक बात याद रखना है कि जो लास्ट वाले हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं महाराज जी जो है, उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर देव महाराज जो है, ये पिता पुत्र इतना याद रखना है कि लास्ट जो 9वें हमारे गुरुदेव जी हुए तेग बहादुर महाराज जी, उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह, ऐसे एक तो एक याद रहेगा कि इनसे जुड़ा हुआ है, इनके ले लेंगे ले लेंगे, यानी कि जो पिताजी का गुरु गोविंद सिंह जी के पिता का नाम क्या हुआ? गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज। तो ये एक आ जाएगा यहाँ से, लेकिन फिर भी 2-3 देखिए यहाँ गुरुदेव अंगद देव जी महाराज अ से स्टार्ट हो रहा है, और तीसरे नंबर में भी अ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप देखते होंगे यहाँ पर कि 3 और 4 तीसरे और चौथे गुरु देव जो हमारे हैं उनमें दास शब्द लगा हुआ, प्रत्यय है ना, दास प्रत्यय। तो ये 2 दिमाग में रखना है कि 3-4 में जो हमारे गुरुदेव जी महाराज हैं उनमें उनके नाम में दास प्रत्यय है, गुरु अमरदास देव महाराज, और गुरु रामदास, हमारे भगवान रामदास, हमारे भगवान जो राम है श्री राम, उनके नाम पे 4थे गुरु हैं। और फिर देखिए 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज, ये महाभारत में जो अर्जुन है उनके नाम पे आप याद रखिए 5वें गुरु का नाम, ठीक है। बाकी ये 2 चीज़ तो या 4थे 5वें इस तरह से याद हो जाएंगे। अंगद क्या, अंगद गुरु अंगद देव जी महाराज जो है, क्षमा करेंगे, तो इनको भी जाहिर सी बात है हनुमान जी के मतलब प्रिय दोस्त थे, है ना, अगर रामायण आपने देखा है तो वहाँ से इस नाम को ले लीजिए दिमाग में रखने के लिए कि भाई ऐसे याद रखना है। तो क्रम क्या रहेगा, 1 से 10, इसमें तो पहले मैं चल रहा हूँ आपको कि भाई गुरु नानक देव जी महाराज सिख धर्म के प्रवर्तक हुए, जो कि इनके जन्म कालखंड था 1469 से 1538, उसके बाद गुरु अंगद देव जी महाराज 1538 से 1552 जो गुरु मुखी लिपि का जनक हुए, गुरु अमरदास देव जी महाराज 1552 से 1574 गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण किया इन्होंने, ने गुरु के प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण हुआ। 4थे गुरु रामदयाल दास जी देव जी महाराज 1574 से 1581 अमृतसर, देखिए सबसे पहले अमृतसर शहर का स्थापना हुआ, संस्थापक कौन हुए? गुरु रामदास देव जी महाराज। तो ये इतिहास की बात है, इनको मिला और वो वहाँ पर उन्होंने अमृतसर शहर का स्थापना हुआ। कहाँ है अभी अमृतसर बताइए, एग्जैक्ट लोकेशन अगर कोई कमेंट कर सकते हैं। तो फिर देखिए 5वें गुरु गुरुदेव गुरु अर्जुन देव जी महाराज, ये 1581 से 1606 के कालखंड में रहे, गद्दी पर रहे, और इन्होंने जब अमृतसर शहर बना, अमृतसर की स्थापना हो गई, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना हुआ, कौन किया भाई, किसने किया? तो गुरुदेव गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने। फिर देखिए उनके बाद यहाँ से 6, 7, 8 नंबर में जो गुरु आते हैं,
तो उनमें देखिए कि नाम में हर 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 ये उपसर्ग के रूप में इसको याद रखेंगे कि भाई हर हर लगा हुआ है। तो बड़ा नाम देखिए गुरु हर गोविंद सिंह बड़ा नाम है तो पहले नंबर में लेंगे। अभी इसमें छोटा नाम आ जाता है गुरु हर राय, मतलब शब्दों की बात हो रही है, अक्षर की बात हो रही है, लेकिन सब अपने आप में सभी बड़े हैं, सभी से सीनियर है ना, जितना पहले है सबसे बड़े वही हुआ। तो देखिए ये छः नंबर में गुरु हर गोविंद सिंह जी 1606 से 1645 और अकाल तख्त, आज हम लोग देखते हैं कभी कभी न्यूज़ में सुनते हैं कि भाई अकाल तख्त को लेकर वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ हो रही, राजनीतिक पॉलिटिकल गतिविधियाँ होती हैं, तो समझ में आता है नहीं समझ में आता, तो ये समझिए कि भाई अकाल तख्त जो है उसकी स्थापना जो है गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था 1606 से 1645 के कालखंड में। फिर एक गुरु हर राय महाराज जी 1645 1661 और उत्तराधिकार के युद्ध में, यानी कि उत्तराधिकार यानी अपना अधिकार लेने के लिए, उत्तराधिकार का मतलब कि भाई मेरे गद्दी हमको चाहिए है ना, यही उत्तराधिकार हुआ में भाग इन्होंने लिया, जो एक ही गुरु है गुरु हर राय, इनकी उपलब्धियाँ ही है। फिर गुरु हर किशन देव महाराज जो है 1661 से 1664 अल्प आयु में ही इनकी जो है निर्वाण कर सकते हैं या मृत्यु हुई है हर किशन की, तो सबसे ये हो गया। लेकिन एक और देखिए नौवें नंबर में गुरु हैं दोस्तों गुरु तेग बहादुर सिंह, और धर्म प्रचार सभी धर्म प्रचार ही करते रहे और ये बिहार के भूमि में लगातार घूम रहे थे, पूरे बिहार को भ्रमण किया था उसी समय में, जो कि यहाँ पर उनका ससुराल भी शायद था पटना सिटी। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म यही हुआ है पटना सिटी में, आप जानते हैं। तो देखिए ये जो है औरंगजेब 1664 से 1675 के बीच का कालखंड है, औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दे दी गई। और एक ये जो हमारे पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव जी द्वारा, इनको भी जहांगीर द्वारा जो है इनको भी मौत की सजा दिया गया था, जो कि बहुत ही जाहिर सी बात है मुगल तो आक्रमणकारी थे ही, और उनसे न सिर्फ सिख धर्म बल्कि हिंदू समाज या हिंदू धर्म भी, या कहें कि कहीं भी जितना भी है लोगों को धर्म परिवर्तन भी कराया गया। तो खैर हर समय हर कालखंड में जो है कुछ ना कुछ तो पहले के समय होता था, क्योंकि लोकतंत्र नहीं था पूरे देश में, लेकिन अब लोकतंत्र सभी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। दोस्तों ये तो है नौ तक। दसवें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ जैसे मैंने बताया, और 1675 से 1708 के बीच का कालखंड रहा, इन्होंने मतलब खालसा सेना का गठन किया है, ठीक खालसा सेना का गठन किया है। तो ये दोस्तों क्रमखंड, फिर से एक बार देख लीजिए, पहले गुरु हैं गुरु नानक देव जी महाराज, दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज, तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज, चौथे गुरु रामदास जी, पांचवे गुरु अर्जुन देव जी महाराज, छठे गुरु हर गोविंद सिंह जी, सातवें गुरु हर राय महाराज, आठवें गुरु हर कृष्ण देव जी महाराज, नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर देव सिंह महाराज, और दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। इसके बाद जो है उन्होंने ये परंपरा को समाप्त कर दिया, जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको ही गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु बना दिया, जिसके बाद से ये सिस्टम ही मतलब कि रुक गई। अब जो भी है गुरु हमारे गुरु नहीं भी हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है वही गुरु है। दोस्तों ये था सिख गुरुओं का कालखंड और उनकी उपलब्धियाँ, जो कि परीक्षा उपयोगी ज्ञान उपयोगी, और आप बहुत तरह से चीज़ को समझ बूझ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज्ञान का जो है दोस्तों एक इसे इतिहास के दृष्टि से देखना है, ठीक है, धर्म के दृष्टि से ना देखें, इस बात को हमेशा याद रखें कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना सारा किताब में लिखा हुआ है या जो सुनते हैं सभी के सभी बातें जो है हिस्ट्री की है, इतिहास की है। तो इतिहास जो है अगर हम लोग अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो फिर आगने वाली पीढ़ी जाहिर सी बात है कुछ और गलत न समझ ले। तो इसलिए हर चीज़ को इतिहास के दृष्टि से देखिए, और एक इतिहास का जो है स्टूडेंट होने के नाते से मैं हमेशा ये बताता हूँ कि भाई इतिहास क्या है। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद।
थैंक्स वॉचिंग।